ਜ਼ਕਾਤ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MLA ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹੱਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਕਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये जो है लोगों में ज़कात सेंटर इंडिया का जो तारुफ है जो हमारे पंजाब में हो रहा है जी, और लोग जो है नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, रमज़ान आने वाला है, लेकिन ज़कात के ताल्लुक से जागरूकता नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उम्मत में जहाँ नमाज़ अदा की जाती है वहाँ ज़कात के बारे में मालूम हो, क्योंकि एक बैलेंस सोसाइटी हम बना सकें। और इसमें जो है हमने आज देखा हमने कि पंजाब में मालरकोटला के जो इंटेलिजेंसा है बहुत लेडीज़ एंड जेंट्स आए हैं, MLA साहब भी आए हैं, हमारे CEOs भी आए हैं। तो हम जो है एक नए अंदाज से जो हम काम करें, उलमा भी काम करें और दूसरे लोग भी काम करें, तो इंशाल्लाह जो है एक नया हिंदुस्तान हम बना सकते हैं। मुसलमानों की तरक्की, इकनॉमिक तरक्की भी हो सकती है और समाज में जो है जो डिफरेंसेस है और गुरबत के जो लकीरें हैं उसको ख़त्म करके हम एक नया माशरा बनाएंगे जिसमें सारे लोग खुशहाल और बावखार ज़िंदगी गुजार। क्या कोई सिस्टम तय पाया है? यही तो है ना ज़कात। अभी देखिए ज़कात सेंटर इंडिया जो है काम कर रहा है पंजाब में, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कीजिए, उसका तावन कीजिए और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। दुनिया भर में जो तजुर्बात हो रहे हैं उससे भी हम फ़ायदा उठाएँ और इसे नमूने का जो है स्टेट जो है ज़कात के तल्लु से पंजाब को बना सके। आप ये प्रोग्राम ज़कात सेंटर इंडिया की तरफ से रखा गया जी, और ज़कात सेंटर इंडिया का ये इकदाम जो है काबिल सताइश है, क्योंकि इस्लाम में इज्तमाही ज़कात ही का हुक्म दिया गया है और इनफरादी ज़कात का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश जो है ये बहुत ही काबिल कदर है और तमाम मुसलमानों को इसका तआवुन करना चाहिए और इज्तमाही नज़्म को मजबूती से कायम किया जाना चाहिए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो अल्लाह के मखलूक को पहुँच सके।